हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू बिल्डिंग क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। आज हम सीएमईडी के चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले इसके पहले दो चैप्टर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पहला पार्ट और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग यानी इसी चैप्टर का जो पहले वाला पार्ट था वो मैं डाल चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा वो अब इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो इसका बचा हुआ पार्ट था इसमें था सेकंड पार्ट, शेड्यूलिंग या फिर समय निर्धारण। ठीक है, तो शेड्यूलिंग या समय निर्धारण को मैंने सिंप्लीफाई किया इतने पार्ट में। इसका थोड़ा सा और पोर्शन है, माइलस्टोन चार्ट और है, आप इसी वीडियो में आगे देखेंगे। तो शेड्यूलिंग और समय निर्धारण का क्या होता है? देखिए, शेड्यूलिंग या समय निर्धारण का मतलब क्या है? इसकी परिभाषा है निर्माण क्रियाओं को समयबद्ध करके प्रारंभ और समापन समय निर्धारित करने की क्रिया। ठीक है, निर्माण क्रियाओं को समयबद्ध, कुछ चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जो इसमें खास है, समयबद्ध प्रारंभ समापन और समय निर्माण क्रियाओं को समयबद्ध करके प्रारंभ और समापन समय निर्धारित करने की क्रिया समय निर्धारण या शेड्यूलिंग कहलाती है। ठीक है, शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को टाइम के अबाउट टाइम से बाउंड कर दें और उसका स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम डिसाइड कर दें और एक प्रोसेस बना दें, वो होता है आपका शेड्यूलिंग या समय निर्धारण। और इसको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में कैसे जोड़ा जाता है कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में अगर आप किसी चीज के स्टार्टिंग और एंड टाइम को डिसाइड नहीं करेंगे तो आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, उसमें आपका मनी लग रहा है। ठीक है, अगर मनी लग रहा है तो मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर आपका टाइम बढ़ता जाएगा तो मनी भी बढ़ता जाएगा। और क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के पहले चैप्टर में देखा कि पूंजी सीमित होती है और समय भी उसी के हिसाब से निश्चित किया जाता है, इसलिए शेड्यूलिंग बहुत जरूरी है। वरना अगर आपका टाइम बढ़ता गया तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। जैसा कि आप आमतौर पर भी देखते हैं, कई प्रोजेक्ट जिनके टाइम 10 साल है, अगर वो बनते बनते उनको 15 साल या 20 साल बीत गए तो वही एस्टिमेट जो पहले बनाया गया था वो रिवाइज करना पड़ता है और नई कॉस्ट ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि टाइम के साथ चीजों की कीमत बढ़ती जाती है। ठीक है, तो शेड्यूलिंग टाइम के अबाउट किसी चीज को बाउंड करने को कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, छोटे कार्यों के लिए अनुसूचन प्रायः मस्तिष्क में बन जाता है। छोटे कार्यों के लिए अनुसूचन मतलब शेड्यूलिंग। छोटे कार्यों के लिए क्या होता है, जैसे आपको एक घर बनाना है, ठीक है, या कोई छोटा मोटा कोई प्लेग्राउंड बनाना है, कोई पार्क बनाना है, तो इतने बड़े कामों के लिए हम लोग चार्ट का या फिर जो दूसरे मेथड्स होते हैं जिसमें हम चीजों का रिकॉर्ड रखते हैं उनका यूज नहीं करते। क्योंकि आपको ही पता है एक घर बनना है तो आपको पता है आपके पास लगभग एक महीने का टाइम है, सामान आ रहा है, आप काम में लगा रहे हो और लगभग एक लिमिटेड टाइम में उसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए इन कामों के लिए आप किसी मेथड का यूज नहीं करते, पर जब आप बड़े काम करते हो तो ग्राफ या चार्ट का यूज करते हो। कभी कभी इसमें नेटवर्किंग जैसे सीपीएम और पर्ट है इनकी भी जरूरत पड़ने लगी है तो इनका यूज हम करते हैं बड़े कामों में। ठीक है, छोटे काम ऐसे हो जाते हैं। तो आपसे समयबद्ध करने के लिए या फिर शेड्यूलिंग की बात अगर कभी एग्जाम में पूछे तो आप इतनी डिटेल देके उसके नीचे वर्गीकरण और लाभ और बता दीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शेड्यूलिंग के लाभ, शेड्यूलिंग के लाभ क्या होते हैं? शेड्यूलिंग के लाभ अगर मैं ना भी लिखता तो भी मैं जानता हूं अधिकतर लोग उसको खुद से समझ सकते हैं कि शेड्यूलिंग के फायदे क्या हैं। लाभ, क्रियाओं की सूची, सबसे पहली बात तो अगर आप शेड्यूल कर लेंगे तो आपको पता है कि कौन सी एक्टिविटी किसके बाद होनी है, तो आपके पास सारी क्रियाओं की सूची बन जाती है कि सबसे पहले फाउंडेशन बनने से पहले आप वहां डिमार्केशन करेंगे, खोदेंगे, मिट्टी निकालेंगे, मिट्टी को फेंकेंगे, फिर फाउंडेशन बनाएंगे, तो एक सूची बन जाती है काम को कैसे कैसे करना है। इससे आपको टाइम का एस्टिमेट निकालने में आसानी होती है। एस्टिमेट पैसे का नहीं, एस्टिमेट टाइम का भी होता है कि सूची में कितना टाइम लगेगा वो निकल जाती है। इसके बाद समय की सूची, क्रियाओं से क्रिया जैसे हिसाब से होगी उसी हिसाब समय भी बनेगा। फिर कुल अवधि, अब जब एक काम में कितना समय लग रहा है टोटल काम में कितना लगेगा, कुल अवधि निकल के आएगी, यही लाभ है। निर्भरता, निर्भरता मतलब आपको ये पता चलता है शेड्यूलिंग करने से कि एक काम पे दूसरा काम कैसे डिपेंडेंट है। जैसे आपको मान लीजिए फाउंडेशन बनानी है, ठीक है, तो उससे पहले आपको मिट्टी खोदने का काम है, ठीक, मिट्टी खोदने का, वहां से मिट्टी हटाने का काम है, उसके बाद कंक्रीटिंग का काम है। तो एक काम जो आपने फाउंडेशन बोला उससे पहले भी कुछ काम है जो उस पर निर्भर है, बिना उनके हुए आप कंक्रीटिंग का काम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो वही है निर्भरता, एक काम पे दूसरे काम की निर्भरता। इसकी बात करेंगे निर्माणकर्मी। निर्माणकर्मी क्या होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वहां पर आपके पास कुशल, अर्ध कुशल या बिल्कुल अकुशल, जिनको कोई काम नहीं आता, नॉन स्किल्ड लेबर, इस टाइप के लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप अलग अलग कामों में लगा सकते हो और उनसे जो मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है वो ले सकते हो। अब आप अर्ध कुशल या अकुशल आदमी को किसी टेक्निकल जगह भेज दोगे तो वो रिजल्ट कुछ नहीं देगा, तो जो जिस काम के लिए बना है उसको उस जगह भेजना ये भी शेड्यूलिंग में आता है। सामग्री, सामग्री आपके पास कितनी है, कितनी की जरूरत है और आगे आने वाले समय में कितनी और मंगानी पड़ सकती है, उसका एक डाटा तैयार करके उसको आगे पाने आने वाले समय में जरूरत से पहले मंगा लिया जाए। मान लीजिए अगले दिन आपका स्लैब पड़ना है और स्लैब पड़ने के लिए आपको
कुछ फिक्स वॉल्यूम कंक्रीट की और स्टील की स्लैब की जरूरत, स्टील की जरूरत है, ठीक है। अब आपको वो पहले से मंगा के रखना पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट डे जब वो काम स्टार्ट होगा तो वो काम लेट होगा, क्योंकि आपने सामग्री पहले से मंगा के नहीं रखी, क्योंकि आपने उसकी शेड्यूलिंग नहीं कर रखी थी। तो शेड्यूलिंग से आप उसको पहले से अरेंज कर सकते हैं। उपस्कर मशीनें सेम चीज सामग्री, और उपस्कर में सेम बात है कि आपकी सामग्री आपने पहले से मंगा के रखा, वैसी मशीनें भी आप पहले से मंगा के रखते हो, क्योंकि मशीनें मोस्टली किराए पर चलती हैं, मशीनें खरीद के कोई नहीं रखता, किराए पर आती हैं और काम होके चली जाती हैं। इससे क्या होता है, आपको जिस दिन काम है सिर्फ उसी दिन का किराया देना है, उसके अलावा नहीं देना है, ठीक। धन आवंटन के लिए भी शेड्यूलिंग जरूरी, क्योंकि आगे आने वाले काम के लिए कभी भी एकमुश्त पैसा नहीं दिया जाता है, पैसा हमेशा किस्तों में दिया जाता है। तो अब आपको आगे आने वाले समय में आपको जो एकमुश्त, ये जो एक जो आपको एक किस्त दी गई है उसके खत्म होने से पहले आपको अगली किस्त के लिए धनावंटन की बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका काम रुक जाएगा। तो धनावंटन की जरूरत पड़ती है। प्रगति की तुलना, बिल्कुल, आप काम अगर कर रहे हो, शेड्यूलिंग आपने करके रखी है, तो आपको यह पता है कि मुझे इस काम को 10 दिन के अंदर खत्म करना था और 8 दिन बीतते बीतते मैंने इतना काम कर लिया, तो आपको यह आइडिया मिल जाता है कि यह काम इतने दिन में खत्म हो भी पाएगा या नहीं, इसलिए भी शेड्यूलिंग जरूरी है। और सुनिश्चित समापन, सुनिश्चित समापन का मतलब है कि जब आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो वो प्रोजेक्ट मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर हैंड ओवर करता है उसके मालिक को, ठीक है, या फिर अगर किसी सरकारी विभाग का है तो विभाग ट्रांसफर करता है जिस विभाग के लिए उसने काम किया उसको। तो वो जो समापन होता है, जो ट्रांसफर होता है, वो इसके द्वारा किया जाता है, सुनिश्चित समापन। तो शेड्यूलिंग पर आपको एग्जैक्टली पता होता है कि किस दिन आपको वो प्रोजेक्ट दूसरे को हैंड ओवर करना है, ठीक है। तो ये इसके कुछ लाभ है, इन पॉइंट्स को आप याद कर लें, और मैं फिर कहूंगा इन पॉइंट्स की हेडिंग बना के इनके अंदर एक एक लाइन भी अगर आप लिख दोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर गेन करोगे, ठीक है। अगला, अनुसूचन का वर्गीकरण। अब देखिए शेड्यूलिंग कितने टाइप से होती है और कितने टाइप से इनके काम होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होती है निर्माण अनुसूची, फिर सामग्री अनुसूची, श्रम अनुसूची और उपस्कर अनुसूची, ठीक है। निर्माण अनुसूची क्या होता है, ये चार अनुसूची और ये एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके आने के चांसेस है, क्योंकि अगर शेड्यूलिंग पूछेगा तो शेड्यूलिंग में दो चीजें आ सकती हैं, एक ये चार्ट गैंट या माइलस्टोन चार्ट, और दूसरा ये परिभाषा, तो आप अपने हिसाब से भी लिख दोगे। तो चार टाइप के वर्गीकरण है, जिसमें निर्माण अनुसूची, अब देखिए जिसका नाम ही निर्माण अनुसूची है उसका क्या मतलब है कि भाई निर्माण से रिलेटेड आपने जो आपका काम है उसकी प्रोग्रेस कितनी है, ठीक है, काम किस रफ्तार से बढ़ रहा है, अपने टाइम पर पूरा होगा या नहीं, उससे रिलेटेड आप निर्माण अनुसूची बनाते हो, ठीक है। तो काम शुरू होने से पहले अंत होने तक बीच में उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने को निर्माण अनुसूची कहते हैं, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। सामग्री अनुसूची, सामग्री अनुसूची का मतलब है, मैंने पीछे बताया था कि कितना मटेरियल बाकी है, मटेरियल लेफ्ट, और कितना मटेरियल कंज्यूम हो गया, ठीक है, इनके बीच बैलेंस बनाने को सामग्री अनुसूची में करते हैं। इसके बाद श्रम अनुसूची, श्रम अनुसूची के अंदर आपकी लेबर या आपका मैन पावर आती है कि किससे आप कितना काम करा रहे हो, कितने दिन का काम हो चुका है, आगे आने वाले समय में कितने और लेबर की या मैन पावर की आपको जरूरत है, उस हिसाब से सामग्री अनुसूची बनती है। और उपस्कर अनुसूची बनती है मशीन के लिए, ठीक है, कि आपकी कौन सी मशीन कितने दिन चली, उसका कितना किराया हुआ, मशीन में कोई टूट फूट हुई तो उसकी मेंटेनेंस रिपेयर कैसे हुई, मशीन कहां से आई, कितने दिन रही, कहां वापस गई, हैंडओवर हुई या नहीं हुई, ये सब चीजें उपस्कर अनुसूची में आता है। तो इन चारों को आप याद कर लीजिएगा और ये चार आप अनुसूचन वर्गीकरण में लिख देंगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। इसके बाद तीन के बाद चार नंबर, आयोजन एवं अनुसूचन की विधियां। देखिए आयोजन या फिर अनुसूचन की कुछ विधियां हैं जो इसलिए बताई गई है कि ऐसे आप किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं रख सकते जब आपको कोई मेथड ना बताया जाए। तो जो हम पुराने मेथड यूज करते थे, हम चार्ट का यूज करते थे, अब हम नेटवर्क का यूज करते हैं, अब तो कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आ गए जिनका हम यूज करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी काम के लिए दस दिन का समय दिया गया, ठीक है। अब आपने पहले दिन काम स्टार्ट किया, ठीक, तीसरे दिन तक पहुंचे और आपको लग रहा है कि आपने काम का 25% पार्ट अभी खत्म कर लिया, ठीक है, अब बचा हुआ 75% है। तो जितना टाइम आपको दिया है उतने टाइम के अंदर ये काम खत्म होगा या नहीं, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो हम चार्टों के द्वारा करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस नहीं करते हैं, ये मैंने सिर्फ करने के लिए बताया कि हम एक ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हर कोई समझ सके, और इसको ऑफिस में सामने ही लगा देते हैं और पर डे इसको अपडेट करते हैं ताकि जो भी वहां से गुजरे उसको दिखता रहे कि हमारा टारगेट क्या था और हमारी करंट स्टेटस क्या है, ठीक है, और इनके बीच में कितना डिफरेंस है, हम उससे तेज चल रहे हैं या उससे धीरे चल रहे हैं, ये हमारा
चार्टों के द्वारा होता है। नेटवर्क द्वारा सीपीएम और पर्ट है, ये आगे आप सब पढ़ेंगे इसी में, सीएमईडी में आगे आएगा सीपीएम और पर्ट। ठीक है, अभी हम बार चार्ट या गैंट चार्ट और माइलस्टोन और चार्ट के बारे में, इन दो चार्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो आपका बार चार्ट और गैंट चार्ट है, ये एक वैज्ञानिक थे गैंट, इनके द्वारा दिया गया था। ये आपका गैंट चार्ट है जो आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, गैंट चार्ट में इसको समझने की जरूरत है, इसमें बस दो ही एक्सेस होती है, ये आपकी एक्स एक्सेस है, ये आपकी वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस पर टाइम 1 2 3 4 5 ये दिन है, ये दिन में दिया गया। ठीक है, यानी एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, और संक्रिया मतलब कौन सी एक्टिविटी आप कर रहे हैं। तो पहले दिन मान लीजिए कोई ए संक्रिया हुई, इसको ए संक्रिया को आप मान ले आपकी फाउंडेशन की खुदाई हुई। दूसरे दिन आप मान ले उसमें कंक्रीटिंग हुई। तीसरे दिन आप मान ले प्लिंथ पड़ा। चौथे दिन आप मान ले वॉल बनी उसके ऊपर, लिंटर लेवल तक वॉल बनी। तो ये संक्रियाएं होती गई। अब इन संक्रियाओं का रिलेशन गैंट ने जो बताया था वो ये बताया था कि जो इसमें रेड और ब्लैक आप देख रहे हैं, इसमें रेड वो है जो आयोजित है, मतलब जो आप कर रहे हो, और ब्लैक वो है जो वास्तविक है, मतलब जो आपने ऑन पेपर डिसाइड किया था कि ये काम इतने दिन में होना है। ठीक है, तो अब यहां पे मैंने क्या दिखाया कि देखिए, ए संक्रिया, ए संक्रिया मान लीजिए कुछ भी एक्स वाई जेड है, तो ये ए संक्रिया पहले दिन स्टार्ट हुई और वास्तविक और आयोजित दोनों बराबर चल रही है, और दो दिन तक चली, एक दिन चली, दूसरे दिन चली, और दूसरे दिन खत्म हो गई। ठीक है, और खत्म हो गई तो जो आपने आयोजित किया था और जो वास्तविक समय लगने वाला था, मान लीजिए आपने दो दिन माने थे, तो आप यहां देखिए बार चार्ट से आपको पता चल रहा है कि आपने दो दिन माने थे और दो ही दिन लगे इस काम में। ठीक है, तो आपने जितना समय माना उतने समय में काम पूरा हो गया। इसके बाद बी है, बी में देखिए, बी में आप देखेंगे रेड वाला आगे है और ये ब्लैक वाला यहां पर पीछे है। ठीक है, मतलब आपने आयोजित किया था वो तेज चल रहा है, वास्तविक अवधि काम की कम थी। ठीक है, तो ये है, यहां पर आपका काम का अवधि दो ही दिन की है, परंतु यह एक अभी दो पूरा नहीं हुआ है, तो अभी ये कुछ कम रह गया उससे। सी में आप देखिए, आपने तीसरे दिन से काम स्टार्ट किया यहां से, और आयोजित आपका रहा, वास्तविक रहा, दोनों बराबर रहा। डी देखिए, डी में आपका रेड पीछे है और ब्लैक आगे है, मतलब आपका आयोजित कम है, वास्तविक ज्यादा है। तो यहां पर अब ये देखिए, दो से शुरू करिए और चार तक जाइए, मतलब दो दिन लगने थे और अभी आपका दो दिन पूरे बीत गए, पर आपका दो दिन में काम पूरा नहीं हुआ है। तो ये काम स्लो चल रहा है, ये काम तेज चल रहा है, ये काम सेम टाइम पे चल रहा है, ए और सी वाला। ये है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट इसी तरीके से एक ग्राफिकल फॉर्म में आपको दिखाता है कि आपका जो काम है वो किस स्पीड से चल रहा है और उसमें अभी प्रगति में कितनी स्पीड की और जरूरत है या उसको स्लो डाउन करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका गैंट चार्ट हो गया। गैंट चार्ट के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, दोनों मैं आगे बताऊंगा। पहले हम गैंट चार्ट के बारे में कुछ और डिटेल समझ लें ताकि आपको इसके बारे में कुछ पूछा है तो लिखने में आसानी हो। देखिए, गैंट चार्ट क्या होता है, क्रियाओं का प्रारंभ व समाप्ति तक की अवधि के समय को समय के पैमाने पर एक क्षैतिज पट्टी के रूप में चार्ट पर दिखाया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है ये प्रारंभ समाप्ति, और इस अवधि को समय के पैमाने पर क्षैतिज पट्टी के रूप में दिखाया जाता है। देखिए प्रारंभ क्या है, मान लीजिए प्रारंभ ये था एक, अंत है ये दो। ठीक है, तो प्रारंभ एक, अंत दो, और इसको समय के पैमाने पर, मतलब ये टाइम है, इस टाइम के स्केल पर दिखाया गया, तो ये हो गया एक से दो तक, और समाप्ति तक की अवधि को समय के पैमाने पर एक क्षैतिज पट्टी, ये पट्टियां आपको दिख रही है, इस पर दिखाया जा रहा है, इसको चार्ट के रूप में दिखाया जाता है। तो ये इसका पहला पॉइंट है कि इनमें क्रियाओं को प्रारंभ व समाप्ति तक की अवधि को समय के पैमाने पर एक क्षैतिज पट्टी के रूप में चार्ट पर दिखाया जाता है। ठीक है, ये हो गया बार चार्ट। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है, पट्टी का बायां छोर प्रारंभ व दायां छोर समापन दिखाया जाता है। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, गैंट चार्ट हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है, कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं चलता है। ठीक है, तो जो लेफ्ट होगा वो आपका स्टार्टिंग होगा और जो राइट होगा वो आपका एंड होगा। ठीक है, एक चार्ट में सभी क्रियाओं को एक ही इकाई में दर्शाना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक ए जो है आपका, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, ए आपका फाउंडेशन वर्क है। ठीक है, बी आपका प्लिंथ वर्क है, सी आपका लिंटल वर्क है, और डी आपका रूफ का है। ठीक है, अब हम यहां पर जब ये काम सारे दिखा रहे हैं तो हमें यूनिट सबकी सेम रखनी है। ऐसा नहीं कि ये काम आप घंटों में दिखा रहे हैं, ये काम आप दिनों में दिखा रहे हैं, ये काम आप हफ्तों में दिखा रहे हैं, नहीं। एक चार्ट के अंदर सारे जितने भी संक्रियाएं होंगी सबकी यूनिट टाइम की सेम रहेगी, दिन में तो दिन में और घंटों में तो घंटों में, या दिन में और हफ्तों में तो हफ्तों में। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग काम के लिए आप इसमें अलग अलग यूनिट का प्रयोग करेंगे, सबके लिए एक ही यूनिट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये था आपका गैंट चार्ट। अब गैंट चार्ट के बारे में मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और इसके अलावा एक माइलस्टोन चार्ट और है, यहां मैंने दो चार्ट और लिखे हैं, गैंट चार्ट और माइलस्टोन चार्ट। माइलस्टोन चार्ट इसी का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है, क्योंकि होता क्या है कि गैंट चार्ट में आप एक क्रिया देख रहे हो, मैंने भी बताया था आपको कि मान लीजिए आपको फाउंडेशन वर्क करना है। ठीक है, तो फाउंडेशन वर्क का मतलब क्या है कि आपको एक आइसोलेटेड फुटिंग बनानी है जिसमें एक बेस है, बेस के ऊपर आपने
आइसोलेटेड फुटिंग बनानी है। पर फुटिंग बनाने का मतलब ये तो नहीं होता कि सीधा साइड पे अगर फुटिंग बना दी, पहले वहां खोदना पड़ेगा, मिट्टी निकलेगी, मिट्टी निकाल के कहीं फेंकी जाएगी, उसके बाद ही फाउंडेशन वर्क स्टार्ट होगा। तो इस क्रिया में क्या है, जो रिलेशन बताया गया है वो सिर्फ मेन क्रिया का रिलेशन है, मतलब जैसे फाउंडेशन का रिलेशन है, पर उससे जुड़ी हुई जो और चीजें हैं, खोदना, निकालना, फेंकना, उनकी बात नहीं की गई। और दूसरा समझिए, मान लीजिए आपको स्लैब का काम करना है, छत पड़नी है आपके घर में, ठीक है। अब छत पड़ने के लिए पहले आपको बार बेंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर बार की प्लेसिंग होगी, उसके बाद शटरिंग लगेगी, शटरिंग के बाद आप स्लैब बनाना शुरू करोगे, ठीक है। तो अगर हम सीधे सिर्फ छत बनाने की प्रोसेस को यहां दिखाएंगे तो उसके बाकी जो उससे जुड़ी हुई उपक्रियाएं हैं वो छूट जाएंगी, और वो छूट जाएंगी इसलिए इसमें वो सारी डिटेल्स नहीं दिखाई जाती, और इसके लिए गैंट चार्ट पूरी तरह से एप्रोप्रिएट एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है जब एक क्रिया के साथ और भी क्रियाएं जुड़ी हों, ठीक है। इसीलिए गैंट चार्ट का प्रयोग सब जगह नहीं होता है, और यही इसका डिसएडवांटेज है। अब मैं इसको इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि अभी अपने बार चार्ट और गैंट चार्ट के बारे में देखा, तो बार चार्ट और गैंट चार्ट से रिलेटेड एक टॉपिक और है, बार चार्ट की लाभ और बार चार्ट की कमियां, ठीक है। तो बार चार्ट के प्रमुख लाभ क्या है कि एक तो ये चित्रण विधि है। चित्रण विधि क्या होता है कि बचपन में बच्चों को चित्र बनाना पहले क्यों सिखाया जाता है, लिखना कम सिखाया जाता है, सबसे पहले उनको फोटो वाली किताबें दी जाती हैं, क्योंकि चित्र को समझना, चित्र में क्या क्या चीज दिखाई गई है, क्या समझाया गया है, उसको इंटरप्रेट करना बहुत आसान होता है। इसीलिए बार चार्ट को चित्रण विधि पर आधारित किया गया है, क्योंकि चित्र आप किसी को भी दिखाएंगे वो तुरंत उसको समझ भी लेगा, और चित्र बनाना भी लिखने से आसान होता है, तो चित्र बना के उसको बार के शेप में दिखाया गया, ठीक है। समझने में आसान, क्योंकि देखिए बार चार्ट मैंने आपसे बताया कि ऑफिस में या मेन जगह लगता है जहां पे हर कोई उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को देख सके, ये कोई छुपा के लगाने वाली चीज नहीं है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखने के लिए अगर आप लिख दोगे और ढेर सारी वैल्यू एक चार्ट के ऊपर बनाकर लिख दोगे, तो क्या उसको हर कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा या हर कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा। पर वहीं अगर आप ग्राफ से कलरफुल तीन चार लाइनें बना दोगे तो एक ऐसा लेबर या जो ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा थोड़ा कम होगा वो भी उसको देखेगा और एक दो बार समझने के बाद समझने लगेगा कि किस तरीके से इस चार्ट में क्या चीजें दिखाई गई और इनका क्या मतलब है। तो इसीलिए इसको समझना आसान होता है, कोई भी इसको समझ सकता है और अपनी प्रोग्रेस का आकलन कर सकता है। स्पष्ट क्रिया, इसमें जो भी काम हो रहा है वो एकदम क्लियरली पता चलता है, इसलिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्रियाओं में संबंध, अब जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया था कि आपने एक ग्राफ बनाया रेड कलर से, ठीक है, नीचे उसके ब्लैक कलर से, तो अब उनमें आपसी संबंध क्या है। उसके अलावा सेम काम एक तारीख को शुरू हुआ, फिर एक काम दो तारीख को शुरू हुआ, फिर एक काम तीन तारीख को शुरू हुआ, तो तीनों में क्या संबंध है, कितने दिनों के डिफरेंस पे शुरू हुआ, समय के हिसाब से संबंध दिखाता है। मतलब अब आप सोचेंगे काम में संबंध नहीं, ये समय का संबंध है कि एक काम शुरू हुआ एक तारीख को, दूसरा शुरू हुआ तीन तारीख को, तीसरा शुरू हुआ छह तारीख को, तो उन कामों में संबंध में आपस में कितना डिफरेंस है, दो दिन का, तीन दिन का, ये दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला है संशोधन में सरलता। अब ग्राफ बना है, कोई गलती हो गई या बाय चांस आपने उसको नेक्स्ट डे अपडेट किया, फिर रोज अपडेट करते हैं, तो अपडेट करना आसान होता है क्योंकि चार्ट में आपको मिटाना है और नई वैल्यू नया ग्राफ बना देना है, वैल्यू नहीं लिखनी है बार बार, ठीक है। तो ये हैं कुछ बेनिफिट्स जो हमें बार चार्ट के मिलते हैं, ठीक है। बार चार्ट की कुछ कमियां हैं, जैसे संपूर्ण प्रगति का ज्ञान नहीं। मैंने आपको भी ग्राफ में बना के दिखाया था, इसमें एक चार्ट है, ऊपर रेड मार्किंग है, नीचे ब्लैक कलर से उसके बाद दूसरा ग्राफ है। अब इसमें आप किसी एक क्रिया की बात कर सकते हैं, जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट लिया और उस प्रोजेक्ट में मुझे कंक्रीटिंग भी करनी है, मिट्टी खुदाई भी करनी है, भराई भी करनी है, उसके अलावा उसमें अर्थवर्क का भी काम है, तो अब इन सब कामों में मुझे सिर्फ एक चीज का पता चलेगा एक बार में। अगर मैं चाहूं कि मुझे उस बार चार्ट से पूरी प्रोसेस का, मतलब पूरे प्रोजेक्ट का पता चल जाए कि अभी कितना हुआ है और कितना बाकी है, जिसमें कई संक्रियाएं होंगी, तो वो नहीं पता चलेगा, सिर्फ सिंगल सिंगल प्रोसेस का पता चलेगा। तो इसकी एक कमी तो यह है कि आप किसी एक चार्ट से पूरे प्रोजेक्ट का नहीं पता कर सकते, सिंगल सिंगल एक एक क्रियाओं का पता कर सकते हैं। उपक्रियाओं का ठीक चित्रण ना होना, उपक्रियाएं क्या होती हैं कि जैसे आपने, मैंने पिछले बताया था कि जैसे आपको स्लैब वर्क करना है, छत डलवानी है, तो उसके लिए आपको पहले सिर्फ सीधी छत नहीं पड़ेगी, शटरिंग होगी, बार्स लगेंगी बेंड करके, उनकी प्लेसिंग होगी, उनको आपस में बांधा जाएगा, बांधने के बाद लकड़ी के गुटके लगेंगे, उसके ऊपर फिर कंक्रीटिंग होगी, फिर उसकी कुटाई होगी, फिर उसके बाद शटरिंग हटेगी, फिर उसके बाद तराई होगी, तब जाके काम पूरा होगा। तो सिर्फ एक काम स्लैब वर्क में आपको कितनी उपक्रियाएं करनी पड़ी, वही उपक्रियाएं हैं जो ये नहीं दिखाता। ये सिर्फ एक सिंगल चीज दिखाता है कि आपको स्लैब वर्क करना है, चार दिन में काम खत्म। अगर कोई उपक्रिया भी लेट होगी, मान लीजिए किसी कारण से आप बार्स नहीं डाल पाए, ठीक है,
बार्स की प्लेसिंग आप नहीं कर पाए तो क्या स्लैब का काम हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो वही है कि वो उपक्रियाएं भी डिपेंडेंट होती हैं मेन क्रिया पे, इसीलिए उपक्रियाओं का चित्रण नहीं होता। ठीक है, परस्पर निर्भरता का अभाव, जैसे मान लीजिए तीन या चार काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, अब हर काम हो तो रहा है पर उनका आपस में रिलेशन क्या है, चार्ट में ये नहीं पता चल रहा कि जैसे कंक्रीट वर्क किसी अर्थ वर्क पे डिपेंडेंट है, यानी जैसे फाउंडेशन मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आप अर्थ वर्क करेंगे उसी के बाद आप कंक्रीट वर्क कर पाएंगे, पर अगर आप उसका चार्ट बनाएंगे तो चार्ट में अर्थ वर्क का ग्राफ अलग बनेगा और कंक्रीट वर्क का काम अलग बनेगा। इसमें यह नहीं पता चलेगा कि ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है, बिना इसके पूरा हुए ये काम पूरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिना गड्ढा खोदे फाउंडेशन बनाओगे किसमें? तो ये आपस में रिलेशन नहीं दिखाता। लास्ट, क्रांतिक क्रियाओं की कोई जानकारी नहीं। देखिए साइट पर कई क्रिटिकल वर्क होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके साइट पर आपका जो सामान है वो व्हीकल्स के द्वारा सामग्री ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है, किसी कारण से आपका व्हीकल का आमद रुक जाए और सामान आना रुक जाए, आपका सारा काम रुक जाएगा, ये क्रिटिकल वर्क है सामग्री का आना। ठीक है, कहीं कहीं पर बेल्ट के कन्वेयर बेल्ट के द्वारा सामान दूर तक ट्रांसफर होता है, साइट पे आपके बिजली चली जाए आपका सारा काम वहीं रुक जाएगा। तो ये कुछ क्रिटिकल वर्क होते हैं साइट पे जिनके बिना दूसरा काम हो ही नहीं सकता, सारा काम वहीं ठप हो जाता है, उनको कहते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है, यानी कि क्रांतिक संक्रियाएं, और क्रांतिक संक्रियाओं को हम किसी भी ग्राफ पे या किसी भी प्रोजेक्ट में अलग से दिखाते हैं क्योंकि इनको बंद नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी बंद हो जाए, ये बंद हो गई तो सारा काम रुक गया। ठीक है, तो इसीलिए क्रांतिक क्रियाओं के बारे में अलग से कोई डेफिनेशन गैंट चार्ट में नहीं थी, इसलिए ये उसकी कुछ कमियां हैं। तो मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे आपसे मान लीजिए पांच नंबर के क्वेश्चन में गैंट चार्ट पूछा, तो आपने गैंट चार्ट की परिभाषा मैंने पीछे दो पॉइंट बताए थे वो लिख दिए, ग्राफ बना दिया, उसके बाद अगर सवाल में ना भी लिखा हो तो भी कम से कम उसके लाभ तो बता ही दीजिएगा, पांच नंबर लायक सवाल में इतनी चीजें आपको बताना जरूरी है, उसके बाद कमियां अगर समय हो तो बता दीजिए, ना तो रहने दीजिए, पर इतना अगर आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद गैंट चार्ट की जो कमियां थी उनको संशोधित करने के लिए माइलस्टोन बार चार्ट आया। ठीक है, क्योंकि जो गैंट चार्ट की मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उसमें किसी भी तरीके की उपक्रिया, ठीक है, उपक्रिया या फिर जो आपका मेन संक्रिया है जैसे मैंने ऊपर बताया था उसको तो बताया गया है, पर उससे रिलेटेड जो उसकी उपक्रियाएं हैं उनके बारे में कोई बात वो नहीं करता। ठीक है, तो ऐसी उपक्रियाओं को डिफाइन ना करने की वजह से हमें यह दिक्कत आती है कि उनका रिलेशन हमें पता नहीं चलता, तो इसीलिए आया माइलस्टोन बार चार्ट या संशोधित बार चार्ट। ठीक है, माइलस्टोन बार चार्ट में क्या होता है कि मुख्य क्रिया के साथ साथ उपक्रिया को भी माइलस्टोन बार चार्ट में दिखाया जाता है। ठीक है, अभी तक आप उपक्रियाएं समझ गए होंगे, इनको नहीं समझ आया अभी नीचे में फिर बताऊंगा। तो माइलस्टोन में जो आपकी मेन एक्टिविटी है उसके साथ उसकी सब एक्टिविटी भी चलती है, जैसे प्लास्टरिंग से पहले तराई। अब आपको पता है अगर आप किसी दीवार पर प्लास्टर कर रहे हैं और अगर आपने उन दीवारों की ईंटों की प्रॉपर तराई पानी से नहीं की है, जो प्लास्टरिंग करेंगे तो सीमेंट का पानी दीवार ईंट सोख लेगी और ईंट सोख लेगी प्लास्टर में क्रैक पड़ जाएगा हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से, तो इसलिए प्लास्टरिंग से पहले तराई की जाती है। ठीक है, इसी तरह से नींव चिनाई से पहले खुदाई। अब आपको नींव की चिनाई करनी है तो नींव की चिनाई का मतलब जो सबसे पहला रद्दा लगेगा चिनाई तो वहीं से होती है, उसके नीचे कंक्रीट का स्लैब पड़ता है, बेस पड़ता है, तो कंक्रीट के बेस से पहले भी आपको खुदाई करनी पड़ेगी। तो नींव चिनाई से पहले आप खुदाई करेंगे, वहां से मिट्टी को हटाएंगे, कंक्रीट का बेस बनाएंगे, तब आप चिनाई कर पाएंगे। तो एक काम जो नींव चिनाई है इसकी जो उपक्रिया है खुदाई, मिट्टी हटाना, कंक्रीट का बेस बनाना। ठीक है, प्लास्टरिंग का जो उपकार है वो है तराई करना। ठीक है, तो इस तरीके से जो उपकार है वो इसमें नहीं दिखाए जाते, इनमें दिखाए जाते हैं माइलस्टोन चार्ट में। जैसे यहां पर देखिए मद और समय। ठीक है, मद का एरो नीचे की तरफ है, ये आपका आइटम है आरसीसी वर्क, और समय आपका है एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन। ठीक है, अब ये मैंने एक ही दिखाया है, मल्टीपल भी हो सकते हैं इसके नीचे, कंक्रीट के अलावा अर्थ वर्क हो सकता है या इसके अलावा पेंटिंग का काम हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है। तो ए बी सी डी, अब देखिए ये आपकी मेन संक्रिया है। ठीक है, ये जो है ये इस डायरेक्शन में ये आरसीसी वर्क बढ़ रहा है, पहले दिन, दूसरे दिन से स्टार्ट हुआ, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, दूसरे दिन एक ए संक्रिया हुई, ए उप संक्रिया हुई। ठीक है, उप संक्रिया मतलब जो आपकी मेन क्रिया की सब क्रिया है कि सप्लाई ऑफ मटेरियल, मतलब पहले दिन जब स्टार्ट हुआ तो एक सब क्रिया हुई जिसमें आपका मटेरियल का सप्लाई हुआ, दूसरे दिन एक बी संक्रिया हुई जिसमें आपने उसका फॉर्म वर्क बांधा, तीसरे दिन आरसीसी वर्क का तीसरा आरसीसी वर्क और आगे बढ़ा, तो तीसरे दिन आपने रीइन्फोर्समेंट लाइन की, मतलब जो स्टील की बार्स हैं वो डाली, बिछा दी, और चौथे दिन जब आप पहुंचे तो आपने कंक्रीट डाली। ठीक है, तो इस आरसीसी वर्क की जो मेन कर्म है उसके साथ चार संक्रियाएं हुई जो ये लिखी हैं, जो कि गैंट चार्ट में नहीं दी गई थी। तो यही चीजें दिखाने के लिए गैंट चार्ट के बाद माइलस्टोन चार्ट बनाया गया। माइलस्टोन चार्ट में ऊपर की तरफ ऐसे छोटे छोटे ये एरो बनते हैं। ठीक है, मेन चार्ट नीचे होगा, ये कुछ इस तरीके से बनता है,
ये मेन चार्ट है और इसके ऊपर ऐसे एरो बनते हैं छोटे छोटे, तो ये एरो दिखाते हैं कि उस मेन क्रिया के साथ कोई संक्रिया भी चल रही है, ठीक है। तो ये है माइलस्टोन बार चार्ट। यहां पर आपका निर्माण आयोजन एवं समय निर्धारण, ये जो आपका चैप्टर था सेकंड चैप्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ये आपका खत्म हुआ। जितने इसमें मेन टॉपिक थे मैंने आपको सारे बता दिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, जो इस वीडियो का पहला पार्ट था जिसमें मैंने कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के बारे में बताया था, उसमें एक चीज और थी, एक टॉपिक और था जो रह गया, मुझे लग रहा है आपको जरूरत पड़ेगी आगे, तो इसके बारे में डिस्कस कर ले। देखिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का एक फ्लो चार्ट होता है, एग्जाम में आता है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज किस तरीके से होती है, मतलब हर काम को करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। सुबह उठ के आप जो बेसिक काम करते हैं उसके बाद दिन आगे बढ़ता है, तो एक फ्लो बना हुआ है कि पहले ये काम होगा, फिर दूसरा काम होगा, फिर तीसरा काम होगा। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन साइट पर भी काम होगा, एक प्रोसेस होता है कि उसके बाद ही ये काम होगा। तो वो पूरा फ्लो चार्ट क्या होता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले आप अगर कोई साइट पर काम कर रहे हैं और कोई रेजिडेंशियल या कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप साइट क्लियरेंस और डिमार्केशन करेंगे। साइट क्लियरेंस मतलब क्या है, साइट की सफाई। जैसे मान लीजिए आपकी साइट पर घास, कूड़ा, कंकड़, मिट्टी, जमीन उबड़ खाबड़ है, तो पहले आप उसकी सफाई करेंगे और उस पर निशानदेही करेंगे, किनारे किनारे निशान बनाएंगे, जो लेआउट होता है हम लेआउट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सकेवेशन करेंगे फाउंडेशन का, मतलब फाउंडेशन की खुदाई करेंगे, ठीक है। साइट क्लियरेंस पहला काम, फिर फाउंडेशन की खुदाई दूसरा काम। फाउंडेशन की खुदाई के बाद आप तीसरा काम करेंगे, कंक्रीटिंग ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। अब कंक्रीटिंग ऑफ फाउंडेशन और मेसनरी इन फाउंडेशन का अंतर हमेशा ध्यान रखिएगा। कंक्रीटिंग का मतलब होता है जो कंक्रीट का बेस पड़ता है नीचे, फाउंडेशन में जब आप आइसोलेटेड फुटिंग बनाएंगे तो नीचे कंक्रीट का बेस पड़ता है, उस बेस के ऊपर ब्रिक वर्क से उसकी जो रद्दे होते हैं वो बनाए जाते हैं एक के बाद एक, ठीक है। तो जो पहला काम होता है वो कंक्रीटिंग होता है, उसके बाद दूसरा काम होता है मेसनरी इन फाउंडेशन। तो जो तीसरा स्टेप है वो है कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन, चौथा है मेसनरी इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, ठीक है। मतलब आप फाउंडेशन जब उठाते हो जो जो उसके ऑफसेट होते हैं वो आप प्लिंथ लेवल तक लाके खत्म कर देते हो, वहां से फिर आप वॉल बढ़ा देते हो, ठीक है। तो चौथा है मेसनरी इन फाउंडेशन और प्लिंथ, उसके बाद प्लिंथ लेवल पर ही डीपीसी लगती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपका पांचवां प्रोसेस है। इसके बाद सुपर स्ट्रक्चर की मेसनरी, जो आपका अधिरचना है, जो आपकी प्लिंथ लेवल से ऊपर डीपीसी और डीपीसी के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो आप बनाएंगे, तो उसके लिए आपको सुपर स्ट्रक्चर मेसनरी छठे स्टेप पर होगी। उसके बाद आपका आरसीसी वर्क होगा। आरसीसी वर्क कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहला आरसीसी वर्क आपका होता है लिंटल लेवल पे, ठीक है। उसके बाद आरसीसी वर्क होता है स्लैब लेवल पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप आरसीसी वर्क, उसके बाद रूफ वर्क करेंगे। रूफ वर्क के बाद आपको डोर्स एंड विंडोज लगानी है, ठीक है। डोर्स एंड विंडोज का अगला होगा प्लंबिंग एंड सैनिटरी फिटिंग्स का। ये स्वच्छता और नलकारी फिटिंग्स क्या है कि आपके जो घर के अंदर फ्लोर के नीचे पाइप्स बिछाए जाते हैं जिसमें आप पीने का पानी और घर से जो गंदगी निकल रही है उसको ड्रेनेज का पाइप, ये दोनों पाइप्स की फिटिंग की जाती है, ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि यहां पर पाइप बिछाए गए हैं, पाइप बिछा तभी दिए जाते हैं जब आप फ्लोर बना रहे होते हैं यहां पर, मेसनरी इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, ठीक है। इसी लेवल पर डीपीसी और प्लिंथ के साथ ही यहां पर पाइप बिछा दिए जाते हैं। यहां पर जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो पॉइंट्स आउटपुट निकलते हैं वहां पर नल लगाना, ड्रेनेज सिस्टम पूरा कंप्लीट करना, ड्रेनेज का सोर्स कहाँ है, आउटलेट कहाँ है वो कंप्लीट करना, पाइप्स बिछाने का काम इधर ही होता है, ठीक है। यहां पर उसका फाइनल काम होता है प्लंबिंग एंड सैनिटरी फिटिंग्स का, नल की टोटियां लगना और शॉवर लगना, वो सब लगने का काम प्लंबिंग एंड सैनिटरी फिटिंग्स का यहां पर होता है। इसके बाद प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग वर्क। प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग वर्क क्या है कि अब आपने दरवाजे भी लगा दिए, सुपरस्ट्रक्चर ही बना दिया, तो हम ईंटों की प्लास्टरिंग भी होगी, तो प्लास्टरिंग करते हैं, छोटी मोटी टीप लगा देते हैं पॉइंटिंग वर्क में। इसके बाद फ्लोरिंग, अब क्योंकि आपने जमीन पर सारा पाइप बिछा लिया, उसके ऊपर एक लेयर डाल दी कोर्स एग्रीगेट की, उसके बाद फाइन की, अब आप प्लास्टर फ्लोरिंग करोगे, फ्लोरिंग जैसी भी चाहिए उसके ऊपर एक लेयर सीमेंट मसाले की डाल के सीसी की, और उसके बाद घोल डाल के उसकी फ्लोरिंग करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं, घर में बिजली का काम, फिर लास्ट में व्हाइट वॉशिंग, और व्हाइट वॉशिंग के बाद आप ट्रांसफर करते हैं बिल्डिंग को। ट्रांसफर का मतलब है कि अगर आपने बिल्डिंग किसी कॉन्ट्रैक्टर एज अ कॉन्ट्रैक्टर बनाई है तो वो बिल्डिंग का ओनर तो कोई और होगा, या अगर सरकारी काम हो रहा है तो किसी और विभाग की बिल्डिंग होगी, तो वो ट्रांसफर किया जाता है बिल्डिंग को उसके मालिक को, ये ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग। तो ये जो आप 15 स्टेप देख रहे हैं ये है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का एक फ्लो चार्ट, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया कि किस तरीके से आप किस काम के बाद कौन सा काम करते हो, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं क्लियर कर दूंगा। इसका थर्ड चैप्टर भी बहुत जल्दी आएगा और स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग भी मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत जल्दी उसके वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि उसमें चार ही चैप्टर हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें, आगे हम ऐसे वीडियोज लाते रहेंगे। थैंक यू।